अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस कप्तान के बयान पर सियासत। जौनपुर बरसठी गोपालपुर गांव निवासी रविन्द्रनाथ पाठक के हत्या अपहरण मामले में ईएसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बयान दिया। रविन्द्रनाथ पाठक की जगह रविन्द्रनाथ तिवारी कह दिया, जिसे लेकर उनके गांव के लोगों ने सियासत शुरू कर दी। तो वहीं परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा, हम रविन्द्रनाथ तिवारी का अंतिम संस्कार क्यों करेंगे? हमारे पिता रविन्द्रनाथ पाठक थे। सुनिए क्या कह रहे हैं उस गांव के लोग और परिवार। इस समय हम लोग जौनपुर जनपद के बरसठी ब्लॉक के गोपालपुर गांव में खड़ा हूँ। 66 वर्षीय रविन्द्रनाथ पाठक की 29 अक्टूबर को जो अपहरण हुआ, तो आज इतने दिन बीत गए। पुलिस रीवा से मनगवां थाना के अंतर्गत कंकाल ले आई है और पुलिस अधीक्षक ने एक घोषणा कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जौनपुर, उन्होंने घोषणा किया कि रविन्द्रनाथ तिवारी त्रिपाठी की कंकाल आया हुआ है। तो अब हमको इसमें बहुत आशंका हो गई है कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का उनका कंकाल आया हुआ है, न कि रविन्द्रनाथ पाठक का। और इनके भाई खड़े हैं, ये बड़े असमंजस में पड़े हैं कि हमको तो हमारा भाई चाहिए रविन्द्रनाथ पाठक। तो इसी वजह से ये यहाँ पर सामूहिक जो क्रिया कर्म होता है वो नहीं किए हैं, और जिला मुख्यालय से उनके हड्डी का और उनके खोपड़ी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाता है कि ले जाके दाह संस्कार करिए और इसके बाद क्रियाकर्म करिए, लेकिन वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिजन को नहीं सौंपी गई। तो इसमें आशंका है और परिजन भी कह रहे हैं कि भाई रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की वो कंकाल है तो मैं कैसे ले लूँ, इसलिए आप जरा हमारे पास आ जाइए। आप रविंद्रनाथ त्रिपाठी का कंकाल चाहते हैं या रविन्द्रनाथ पाठक का? रविन्द्रनाथ पाठक का चाहेंगे। तो पुलिस अधीक्षक ने रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का कंकाल दिया है, तो इसको लेंगे आप? नहीं, त्रिपाठी से क्यों लेंगे, पाठक का लेंगे। तो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने तो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का कंकाल बताया है, और आपको किसका कंकाल चाहिए? रविन्द्रनाथ पाठक का चाहिए। और रविन्द्रनाथ पाठक ओरिजिनल होंगे तब ना? ओरिजिनल होंगे, ओरिजिनल उनकी। तो ये भाई जो है उनका दाह संस्कार या क्रियाकर्म नहीं कर रहे हैं। आप क्रियाकर्म कर रहे हैं? नहीं, कैसे करेंगे? कितने दिन नहीं करेंगे? जब तक कि डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता। हाँ, जब तक कि अस्थाई मामला नहीं हो जाता। इस तरह से आज कितना तारीख है भैया? आज चार तारीख हो गया, 29 अक्टूबर की रात से आज 4 दिसंबर हो गया है, यह फाइनल नहीं हो पाया है। आज की रिपोर्टिंग यह है कि गांव वाले सुबह से यहां दरवाजे पर आ रहे हैं और यहां पर अफसोस जाहिर करके जा रहे हैं, ऐसे पुलिस पर, ऐसे जिलाधिकारी पर, ऐसे तमाम योगी सरकार की गतिविधियों पर कि ये पूरी तरह से असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। इनको रविन्द्रनाथ त्रिपाठी का नहीं, रविन्द्रनाथ पाठक का। देश विदेश के वायरल अवस्थित प्रमुख खबरों के लिए अखंड दर्पण न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।